वहीं अगली बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में फैसला लिया है। समीक्षा बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है शादी समारोह में अब 40 लोग शामिल हो सकेंगे, दोनों पक्ष से 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम एहतियात मध्यप्रदेश में बरते जा रहे थे, सरकार भी सख्त थी, प्रशासन भी सख्त था, और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है शादी समारोह में अब 40 लोग हिस्सा ले सकेंगे, दोनों पक्ष के 20-20 लोग अब विवाह समारोह में शामिल हो पाएंगे। तक संख्या 10-10 थी, उसको बढ़ा के हम लोग ये तत्काल प्रभाव से करेंगे 20-20 कर दी जाएगी, दोनों पक्षों से 20 वर पक्ष से और 20 वधू पक्ष से, तो लगभग 40 के आसपास संख्या हो जाएगी, तो शादियां में परिजन भाग ले सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में 52 जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट के काम को अद्भुत बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा किल कोरोना अभियान लगातार जारी रहेगा, गांव-गांव में लोगों के टेस्ट किए जाएंगे, लिहाजा टेस्ट के लिए कोई न छूटे इस पर भी जोर दिया जाएगा। बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश नियंत्रण की स्थिति में है, बस लापरवाही न बरती जाए। कोविड के महाविकट संकट में हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने सचमुच में अद्भुत काम किया है। हालांकि आज मैं जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा कर रहा हूं, जल्दी मैं ब्लॉक और पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से भी बात करूंगा, लेकिन नीचे पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, फिर ब्लॉक की और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और यहां ऊपर जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने सारा दायित्व संभाला, जिम्मेदारी